हमारे बीच में आज एक ऐसे शानदार कवि हैं जो दिखने में जितने सुंदर हैं लिखने में भी उतने ही सुंदर होंगे। मैं पहली बार उनको सुन रहा हूं, लेकिन प्रशस्ति स्टूडियो उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता है। माणिक दा की स्मृतियों को नमन इस कार्यक्रम में बरसे माणिक छन 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 में पहले कवि के रूप में पूरे मन से जोरदार तालियों के साथ सुरेश आकाश जी का स्वागत करिए। हमारी प्रेमिका ने हमसे की फिल्म दिखाने की फरमाइश। कल हमारी प्रेमिका ने हमसे की फिल्म दिखाने की फरमाइश, जेब कुछ हल्की थी, फिल्म दिखाने की नहीं थी गुंजाइश। जेब कुछ हल्की थी, फिल्म दिखाने की नहीं थी गुंजाइश। हमने ये बात जब अपनी प्रेमिका से बोली तो वो अपने दूसरे प्रेमी के संग होली। क्या बात है। हमने ये बात जब अपनी प्रेमिका से बोली तो वो अपने दूसरे प्रेमी के संग होली। एक और रचना इसी क्रम में सुना रहा हूं। स्वागत है। कि कल एक अजीब बात हो गई, हमने लिखी प्रेमिका को चिट्ठी, वो कहीं खो गई। ये रचना तब लिखी थी जब मोबाइल नहीं हुआ करता। क्या बात है, क्या बात है। हमने लिखी प्रेमिका को चिट्ठी, वो कहीं खो गई, कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ लगी। कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ लगी, उन्होंने हमें बुलाया, 10-15 मिनट भाषण पिलाया कि हमने भी तुम्हारी उम्र में प्रेम किया है। हमने भी तुम्हारी उम्र में प्रेम किया है, प्रेमिका के साथ कॉफी हाउस में घूमने और फिल्म देखने का रस लिया है। प्रेमिका के साथ कॉफी हाउस में घूमने और फिल्म देखने का रस लिया है, किंतु हमारी स्थिति थी जानदार, तुम हो बेरोजगार। किंतु हमारी स्थिति थी जानदार, तुम हो बेरोजगार। पिता के आश्रय जिंदगी बसर कर रहे हो, एक एमए कर चुके हो, समय गुजारने के लिए दूसरा कर रहे हो, इसलिए नींद से जागो, इन लड़कियों के चक्कर से भागो। नींद से जागो, इन लड़कियों के चक्कर से भागो, किस्मत जग जाएगी। जितनी मेहनत तुमने इस छोकरी के लिए की है, किसी नौकरी के लिए करोगे तो लग जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। नींद से जागो, लड़कियों के चक्कर से भागो, किस्मत जग जाएगी। जितनी मेहनत तुमने इस छोकरी के लिए की है, किसी नौकरी के लिए करोगे तो लग जाएगी। हमने कहा गुरुदेव, हम आपकी बात मानते हैं, किंतु आप हमारी स्थिति जानते हैं, हमारी प्रेमिका की नहीं। आए है। हमने कहा गुरुदेव, हम आपकी बात मानते हैं, किंतु आप हमारी स्थिति जानते हैं, हमारी प्रेमिका की नहीं। हमारी प्रेमिका हमारा बहुत ख्याल रखती है, लड़की बहुत भली है, आधुनिक रंग ढंग में फूली फली है, हमारी अच्छी बुरी आदतों पर मरती है। हमारी अच्छी बुरी आदतों पर मरती है, और हम बेरोजगार हैं तो क्या, लड़की तो स्कूल में काम करती है। वाह बढ़िया। हम बेरोजगार हैं तो क्या, लड़की तो स्कूल में काम करती है। इसके बाद एक हास्य गजल कहता हूं। स्वागत है। इस तरह के लोग मुझे भी मिले हैं और आपको भी मिल जाएंगे। क्या बात है। कि जीवन की संध्या घिर आई, फिर भी आशिक है। जीवन की संध्या घिर आई, फिर भी आशिक हूँ। जीवन की संध्या घिर आई, फिर भी आशिक है। और चेहरे पे मुर्दानी छाई, फिर भी आशिक। जीवन की संध्या घिर आई, फिर भी आशिक है। चेहरे पर मुर्दानी छाई, फिर भी आशिक है। बड़े बहादुर हरकत करते, डरते नहीं कभी। बड़े बहादुर हरकत करते डरते नहीं कभी। खाई कितनी बार पिटाई, फिर भी आशिक। बड़े बहादुर हरकत करते, डरते नहीं कभी। खाई कितनी बार पिटाई, फिर भी आशिक है। उषा रेखा सपना रत्ना सभी सहेली थी, और सबकी हो गई कहीं सगाई, फिर भी आशिक।
सखा सपना रचना, सभी सहेली थी सबकी हो गई कहीं सगाई, फिर भी आशिक हैं। वो खाते पीते घर में अब कंगाली छाई, खाते पीते घर में अब कंगाली छाई, खाते पीते घर में अब कंगाली छाई, खर्च हुई जो रकम कमाई, फिर भी आशिक खाते पीते घर में अब कंगाली छाई, खर्च हुई जो रकम कमाई, फिर भी आशिक हैं। चोरी के ये गीत सुनाते हैं हर महफिल में, क्या बात है, चोरी के ये गीत सुनाते हैं हर महफिल में, हरदम हूट हुए हैं भाई, फिर भी आशिक, हरदम हूट हुए हैं भाई, फिर भी आशिक, फिर भी आशिक हैं। वो लड़की के चक्कर में इनकी खूब ठनी रपते, लड़की के चक्कर में इनकी खूब ठनी सबसे, घर में होती रोज लड़ाई, फिर भी आशिक, फिर भी आशिक, चेहरे पर मुस्कान छाई, फिर भी वाह। अंत में एक गजल इरशाद, इरशाद इरशाद उसके कुछ शेर कि सूट पहनकर कांप रहा है मरियल अफसर जाड़े में, सूट पहनकर कांप रहा है मरियल अफसर जाड़े में, और कुछ ना कुछ होता रहता है उसको अक्सर जाड़े में, कुछ होता रहता है उसको अक्सर, उसको अक्सर जाड़े में, कि चिथड़े पहने एक बच्चे से, चिथड़े पहने एक बच्चे से पूछा ठंड नहीं लगती, चिथड़े पहने एक बच्चे से पूछा ठंड नहीं लगती, पूछा ठंड नहीं लगती, बोला ठंड रहम करती है हम जैसों पर जाड़े, क्या बात, चिथड़े पहने एक बच्चे से पूछा ठंड नहीं लगती, बोला ठंड रहम करती है हम जैसों पर जाड़े में। और आखिरी शेर महाकवियों के नाम, क्या बात है, कि मखमल के गद्दों पर लेटे गीत गरीबी पर लिखते हैं, वाह 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 वाह, ये मखमल के गद्दों पर लेटे गीत गरीबी पर लिखते, गीत गरीबी पर लिखते और बातें करते इंकलाब की दारू पी कर जाड़े में, मखमल के गद्दों पर लेटे गीत गरीबी पर लिखते बातें करते इंकलाब की दारू पी कर जाड़े में, सूट पहनकर कांप रहा है मरियल अफसर जाड़े में, कुछ ना कुछ होता रहता है उसको अक्सर जाड़े में।